नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी मार्केट में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, फोन उठाइए, सवाल पूछिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545। इसके अलावा आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि आज पूरे दिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और शुरुआत एग्री मार्केट से। एग्री में आज ग्वार की कीमतों में जोरदार तेजी आई है और 3 सेंट से ज्यादा की मजबूती के साथ ग्वार सीड और ग्वारगम का वायदा बंद हुआ है। बड़ी तेजी आज यहाँ पर दिखी है और तेजी आज चने में भी रही है। 39 रुपए की तेजी के साथ चने का वायदा बंद हुआ है 4137 के स्तर पर। इसके अलावा कुछ और एग्री काउंटर को देखें, वहां पर किस तरह की हलचल रही है ये हम आपको बता रहे हैं। और सोयाबीन में 28 रुपए की तेजी, सोयाबीन का वायदा 6.5 रुपए ऊपर है इस वक्त। और मस्टर्ड में 27 रुपए की मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट का सबसे ताज़ा अपडेट। जीरा वायदा 215 रुपए ऊपर 20,250 के स्तर पर क्लोज हुआ है। टर्मरिक में 24 रुपए की मजबूती और कोरिएंडर का वायदा जबरदस्त तेजी के साथ करीब 3.25% ये काउंटर आज बढ़ा है, बड़ी तेजी में आई है और बाजार एक बड़ी तेजी के साथ बंद भी हुआ है। अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की, बुलियन की एनर्जी। बुलियन में आप देख पा रहे हैं गोल्ड में 108 रुपए की मजबूती है। जो गिरावट हमने शुरुआती दौर में देखी थी वो गिरावट अब खत्म हो चुकी है। बाजार पूरी तरह से हरे निशान में लौट चुका है। चांदी में 158 रुपए की मजबूती, 39,000 के ऊपर चांदी का भाव इस वक्त देख पा रहे हैं हम MCX के ऊपर। और कच्चे तेल में 25 रुपए की नरमी है, 5,260 के नीचे इस वक्त क्रूड में ट्रेड हो रहा है। अब बात मेटल की, और मेटल में कॉपर, जिंक और निकल ये तीनों काउंटर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि रफ्तार बहुत तेज आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग का एक ट्रेंड इमर्ज हुआ है और उसी आधार पर मार्केट में मजबूती का रुख इस वक्त हम देख पा रहे हैं। और अब बात करते हैं कुछ और काउंटर की। लेड, एल्युमिनियम, ये दोनों काउंटर लाल निशान में है और नेचुरल गैस में करीब 1% की मजबूती है 240 के ऊपर। और अब बात गोल्ड के स्पॉट प्राइस की, हाजिर भाव की, ये आपकी स्क्रीन पर है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 31,745, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 29,216 और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 23,921। इसमें 3% का GST शामिल नहीं है। चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की ही, क्योंकि गोल्ड का मार्केट रिकवर हुआ है और ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है ये बताने के लिए हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय हैं SSJ कमोडिटीज़ के, और साथ ही समीर सालवी हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं आनंद राठी कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियांक, क्या लगता है आपको गोल्ड में ये तेज़ी आज टिकेगी? देखिए, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स ने जो पिछला रेंज जो था 1200 के ऊपर भी कंफर्टेबली ट्रेड हो रहे हैं मार्केट्स, एंड 1235 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखता है। बट बायस जो है मेरी तरफ से बुलिश बायस अंडरटोन रहेगा, क्योंकि 1200 के क्रॉस करने के बाद अभी एक बुलिश जोन में आ गया है फ्रॉम द मीडियम टर्म परस्पेक्टिव अगर हम मैं बात करूँ तो। घरेलू मार्केट्स में भी रुपी जिस तरह से लोअर लेवल से वीक हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहेगा ऑन डोमेस्टिक फ्रंट जो सपोर्ट देता आएगा मार्केट्स को। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड को फ्रॉम द शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए 31,960 के आसपास से डोमेस्टिक मार्केट्स ट्रेड हो रहे हैं। ऑन द डाउन साइड में सपोर्ट्स देख रहा हूँ 31,700-31,500, ये मेरे हिसाब से बाइंग जोन से रहने चाहिए। जब भी अगर मार्केट में कोई शार्प सेल ऑफ आता है वहाँ से फिर से हम एक बाउंस बैक टूवर्ड्स 32,500 एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो 31,966 का इस तरीके दिख रहा है गोल्ड में, 98 रुपए की मजबूती। तो ये आप गोल्ड पर राय जान रहे हैं प्रियांक का, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना हो प्रियांक गोल्ड में तब क्या करना चाहिए?
देखिए लॉन्ग टर्म क्लियर है मेरी तरफ से कि ये एक बुलिश कमोडिटी रहेगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो क्राइसिस इमर्ज हो रहे हैं, अगर आप इक्विटी मार्केट्स अराउंड द ग्लोब देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं प्रेशर हमें दिख रहा है, एंड अगर वो गहराता है एंड प्लस मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में भी अगर प्रेशर का सिचुएशन बनता है तो एक डबल वैमी रहेगा गोल्ड के लिए। एंड हमने देखा है कि गोल्ड लास्ट 5-6 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एक रेंज में चल रहा है, ब्रॉडर रेंज में। हमने 1160 तक एक ड्रॉप आता हुआ देखा और वहाँ मार्केट संभल के फिर से हम एक ट्राई कर रहे हैं 1200 के ऊपर जाने का, और वो उसमें अभी हम देखा है कि प्राइसेस सस्टेन भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक रैली बनती है टूवर्ड्स एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ 1300 डॉलर्स। मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट मे बी दिसंबर जनवरी तक 1300 डॉलर्स तक एक मैं रैली एक्सपेक्ट करता हूँ, 50-70 डॉलर्स ऑन द हायर साइड। एंड इवेंचुअली मैं काफ़ी हायर लेवल्स एक्सपेक्ट करता हूँ गोल्ड में। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स को। ये धनतेरस अभी आएगा, दिवाली आएगा, दशहरा है, तो ये एक ऑस्पिशियस डेज है जहाँ पे गोल्ड को अक्यूमुलेट किया जा सकता है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 1-3 ईयर्स परस्पेक्टिव हो किसी का तो ठीक है। चलिए अब बात चांदी की, सिल्वर की। हमारे साथ अजय केडिया है फोन लाइन पर, केडिया कमोडिटी के MD मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी आपका स्वागत है। चांदी में भी आज हम रिकवरी देख पा रहे हैं, हालांकि रिकवरी बहुत तेज नहीं है लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, और अच्छी बात यह है कि 39,000 के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है। तो इस तेज़ी को आप किस तरह से देख रहे हैं और ताज़ा भाव पर किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? गुड इवनिंग मिस्टर जी। डेफिनेटली अगर चांदी की बात करें तो हम काफी बुलिश है चांदी में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, बट अगर हम इमीडिएट अगर आज की बात करें तो हमें लगता है कि एक गिरावट का रुख देखने मिल सकता है। जिस ढंग से शाम को FOMC के मिनट्स आने हैं तो कहीं ना कहीं हॉकिश स्टेटमेंट आने की उम्मीद है, तो हमें लगता है कि वहां पे डॉलर को स्ट्रेंथ मिलेगा। इनफैक्ट कल के लो से भी हमने देखे तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ा स्ट्रेंथ आते हुए देखा है, तो हमें लगता है थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स में 96-96.50 तक का जंप आता है तो एक करेक्टिव ड्रॉप मिल सकता है 38,700 तक का लेवल चांदी में। बाकी मीडियम टर्म की बात करें तो हमें अभी भी बुलिशनेस चांदी में दिखाई दे रही है, जो 40,500 से 41 का लेवल जनवरी एंड तक देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो 39,000 के ऊपर चांदी का भाव और आगे भी तेजी की उम्मीद चांदी में जताई जा रही है, इस पर आप नजर रखिए। लेकिन क्रूड की बात करें अगर, तो कच्चे तेल का मार्केट आज के कारोबार में दबाव में है, क्रूड दबाव में है, और हालांकि वजह कोई खास नहीं है और ना ही दबाव ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर क्रूड में आज ट्रेड करना हो प्रियांक उपाध्याय, तो बिल्कुल करंट रेट पर, ताजा भाव पर किस तरह की राय होगी आपकी? देखिए क्रूड का अगर आप प्राइस मूवमेंट देखें लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक नैरो रेंज में है, 5330 ऑन द हायर साइड एंड 5200 ऑन द लोअर साइड, ये एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स का रेंज बना हुआ है। अभी 5260 के आसपास है, मेरा मानना रहेगा कि अगर 5290-5300 जो अपर साइड जोन्स है वहाँ पे अगर जाता है तो एक बार सेल किया जा सकता है, और अगर लोअर लेवल्स आते हैं मे बी अराउंड 5200 के आसपास तो वो एक सपोर्ट जोन है तो वहाँ पे बाई किया जा सकता है। रेंज के बाहर जब भी मार्केट आएगा तो एक फ्रेश ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिल सकता है। ओके, चलिए हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं, गोपाल चतुर्वेदी हैं मथुरा से, पूछिए चतुर्वेदी जी। जी सर, हमारे सर सिल्वर में सर पोजीशन है सर, हम दिवाली तक का ओवरव्यू जानना चाहते हैं उस पर। 38,500 के भाव पर आपने लिया है, ठीक है, दिवाली तक आप जानना चाहते हैं कि चांदी का भाव क्या होने वाला है। हमारे साथ अजय केडिया बने हुए हैं। अजय जी आपका क्या व्यू होगा, ये जानना चाहते हैं कि दिवाली तक, अब करीब 15 से 20 दिन का वक्त बचा है दिवाली के त्यौहार में, क्या दिवाली तक का वेट करना चाहिए इनको, कुछ ठीक ठाक दाम मिल जाएंगे दिवाली पर चांदी के? डेफिनेटली अगर दिवाली तक की बात करें, क्योंकि इंट्राडे में जैसे मैंने कहा था अभी रात को FOMC के मिनट्स आने तो हो सकता है प्राइजेस में थोड़ी बहुत गिरावट मिल जाए, बट दिवाली तक का आउटलुक लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 40,200 से लेके 40,500 तक का लेवल दिवाली तक देखने मिल जाएगा। ठीक है, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगला सवाल है मदन लाल का, हमारे साथ जुड़े हैं मानसा से, पूछिए मदन लाल जी। नमस्कार मतंगे। नमस्कार नमस्कार, पूछे। अपने 4216 पे 16 लाट ग्वार बाय है जी, एवरेज करिए जी आप कि नहीं करिए? 4216 पर ग्वार आपने खरीदा है 16 लॉट,
आज बाजार 4500 के ऊपर बंद हुआ है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस अच्छे ट्रेड के लिए, और अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल चुका है अब तक ग्वार में, लेकिन अब आपको यहाँ आप ही की बदौलत है जी, जो आया है आप ही की बदौलत है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए इसी तरह। और हमने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अभी और कई दर्शकों के SMS आ रहे हैं कि जब ग्वार 4200 के भी नीचे था तब से हमने रिसर्च के जरिए आपको ये बताया था कि आगे ग्वार में तेजी आ सकती है, और कई जानकारों ने इसको इंडोर्स किया था और कहा था कि बिल्कुल जो फंडामेंटल हैं ग्वार के वो मजबूत हैं और इसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख चुका है। ठीक है, लेकिन अब आप ये बताएं समीर सालवी जी कि अब टेक्निकल चार्ट पर आपको ग्वार का मार्केट कैसा दिख रहा है? क्या टेक्निकल चार्ट पर अब आपको कुछ करेक्शन का अंदेशा दिख रहा है, या फिर आपको लगता है कि ये तेजी अभी और बढ़ने वाली है? जी हाँ, ग्वार सेट की बात करें तो लास्ट दो सेशन में हमने एक अच्छी बुलिश मोमेंटम देखा है ग्वार सेट में। यहाँ से एक्सपेक्टेड है प्राइस नियर अबाउट 4,630-4,650 के रेंज में आना चाहिए। सो यहाँ से हम तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो मेरा यही कहना है कि इन्हें 4,450 का एक ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के पोजिशन होल्ड करनी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 4,650। ठीक है, किशन है हमारे साथ बीकानेर से, पूछिए किशन। किशन आप सुन पा रहे? हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार, पूछिए। सर मैं बीकानेर से किशन बोल रहा हूँ, मेरे गुआर खरीदना है, किस लेवल पर खरीदना चाहिए और दिसंबर एंड तक कितना तेजी आ सकता है? ओके, गुआर आप खरीदना चाहते हैं। अजय केडिया जी, क्या ग्वार खरीदने का ये सही भाव है या फिर एक करेक्शन का वेट करना चाहिए, और दिसंबर तक का आपका टारगेट क्या होगा? देखिए, ग्वार में मुझे लगता है अभी भी फंडामेंटल काफी ज्यादा बुलिश है एज कम्पेयर टू टेक्निकल्स। टेक्निकल अभी दो दिन में नो डाउट हमने तेजी देखी है, तो एज ऑफ तो हमें लगता है कि 4650 का इमीडिएट टारगेट, बट अगर ये लेवल्स में भी एंट्री करते हैं थोड़ा सा 50% अभी करके चलिए, नीचे में 43 तक मिलता है, 4300 का, तो एवरेज करके चलिए। ऊपर में हम चल रहे दिसंबर तक आपको 5150 तक का लेवल ग्वार सीड में देखने मिल जाएगा। 5100 तक का लेवल आपको दिसंबर के अंत तक ग्वार सीड में दिखेगा, ये मानना है अजय केडिया का। यानी यहाँ से करीब करीब 600 रुपए की तेजी आपको ग्वार में दिख सकती है, तो इस पर आप नजर बनाकर चलें। अगला सवाल है उत्कर्ष जैन का, दिल्ली से हमारे साथ हैं, पूछिए जैन साहब। सर नया ट्रेड पता करना था, कोई मेटल या सिल्वर में। अच्छा, मेटल या सिल्वर में आप नया ट्रेड करना चाहते हैं। प्रियांक, क्या कुछ ट्रेड बन पा रहा है अभी मेटल में? मेटल्स में अगर मैं देखूं तो कॉपर एक कमोडिटी दिखती है जहां पे सेल पोजीशंस कर सकते हैं 457-456 के जोन्स में। 462 ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, और शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट करता हूं गिरावट टुवर्ड्स 447। और चांदी में क्या अभी कुछ बाइंग करना ठीक रहेगा? चांदी में मुझे लगता है कि एक बार ये FOMC का मिनट्स जाहिर हो जाए तो एक गिरावट आ सकती है, तो गिरावट में बाइंग करना चाहिए। तो अभी एक सेल ऑफ अगर आता है तो मे बी अराउंड 38,500-38,200 वो जोन्स रहेंगे जहाँ पे मैं कंटेम्पलेट करूँगा बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, महेश हैं हमारे साथ मंदसौर से, पूछिए महेश। 32.10 में 4 लोट सेल है नवम्बर कॉन्ट्रैक्ट। 32.10 में 4 लॉट शॉर्ट किया है आपने सोयाबीन? शॉर्ट किया हुआ है, क्या करना चाहिए? अजय केडिया, क्या करना चाहिए? दाम तो बढ़ गए हैं, 3300 के ऊपर आज की क्लोजिंग है, क्या सुझाव है आपका इनके लिए? मैं अभी भी ध्यान मंदी का ही है, बट अभी मंडिया आज अष्टमी की वजह से कल भी बंद रहेगी, फिर दशहरा हो गया, कुछ अराइवल्स कम होने की वजह से मार्केट में थोड़ा बाउंस देखा था। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि थोड़ा बहुत 3320-30 तक का भी अगर जंप आता है वो अच्छा लेवल, तो बेटर है इनको एक एवरेज करना चाहिए। 3330 तक का लेवल मिलता वहां पे एवरेज कीजिए। नीचे में मुझे लगता है 3240-3180 का लेवल अगले 15 दिन में देखने मिल जाएगा, क्योंकि 20 तारीख से अराइवल्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो ओवरऑल काउंटर वीक है, थोड़ा बाउंस आया है वहां पे, इनको एवरेज करना चाहिए 3330 पे। तो आप करेंगे एक एवरेज करके चलना चाहिए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर को देखते हैं जहाँ पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है, खास करके एग्री में। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, नानटू हैं कोलकाता से, पूछिए। हेलो जी जी, पूछें। दिवाली तक गोल्ड 34,000 जाएगा? 34,000 दिवाली तक?
चलिए दिवाली में आप बहुत देर नहीं है, और आप जानना चाहते हैं कि 34,000 का लेवल दिवाली तक, यानी यहाँ से करीब करीब 2,000 रुपये की तेज़ी आपको मुमकिन लगता है प्रियांक, 2,000 रुपये की तेज़ी दिवाली तक? वो कहना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि दिवाली तक 34,000 के रेट अगर आपको दिख जाएंगे, बट मेरी मैं मानता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है तो ज़रूर 34,000-35,000 के रेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इन लॉन्ग टर्म दिवाली तक मुझे लगता है कि मे बी अराउंड 32,200-32,500 ये एक रैली बन सकती है मार्केट्स में। चलिए, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अब तक हमने अपने दोनों जानकारों से पूछा कि अलग अलग कमोडिटी पर इनका व्यू क्या है, लेकिन अब ये बताएंगे कि इनकी आज की तीन सबसे पसंदीदा कॉल कौन कौन सी है। समीर जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी हाँ, सेल क्रूड ऑन बाउंस नियर अबाउट 5,300, एसएल रहेगा इसमें 5,350 एंड डाउन साइड टारगेट 5,230। आपकी कॉल प्रियांक। कॉपर में सेल कर सकते हैं 456-57 के आसपास, 462 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, 447 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल समीर सालवी जी। या बाय सिल्वर नियर 38,850 विथ स्टॉप लॉस ऑफ 38,650 एंड अपसाइड टारगेट 39,200। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया समीर सालवी आपका और प्रियांक उपाध्याय आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज के कारोबार में कमोडिटी में कहां पर मुनाफा मिल सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।